सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता पहचाननी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बौद्धिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राथमिकता देना चाहिए। आर्य ने ये बात राजधानी भोपाल स्थित समन्वय भवन में कौटिल्य अकेडमी भोपाल शाखा के द्वितीय वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौटिल्य अकेडमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकेडमी से पढ़कर निकले कई स्टूडेंट्स आज उच्च पदों पर आसीन हैं। आप जब इस लाइन में पहुंचे हैं कि हमें इस कंपटीशन के माध्यम से कुछ मंजिलें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं संयम चाहिए, जो समझ से कहा गया। और संयम की जो पराकाष्ठा करता है, एक नहीं, ऐसे भारत में नहीं, विश्व में कई उदाहरण है। अब्राहम लिंकन के हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हर बार पराजय मिलने के बाद भी अंत में जब चुनाव लड़ते हैं तब राष्ट्रपति सीधे बनते हैं। महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव जे एन कंसूटिया ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सर्वप्रथम स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। एकेडमी भोपाल शाखा के डायरेक्टर राहुल रंगारे ने कहा कि सिविल सेवाओं के लिए कौटिल्य अकेडमी समर्पित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान में आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक ही सूत्र वाक्य है, परिश्रम आपका, मार्गदर्शन हमारा और सफलता हम सबकी। यही कारण है कि सिविल सेवाओं में आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एकेडमी बेहतर ऑप्शन है। समारोह में एकेडमी के प्रबंध निदेशक सिद्धांत जोशी भी उपस्थित थे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डेनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।